नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। द घंटा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं जुनैद आजाद के भी प्रस्तुत हूँ एक ऐसी घटना के साथ जिसे सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ, आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर लखनऊ की, जहाँ गरीबी और गर्मी के चलते दिन दहाड़े एक प्राणी ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, खड़ा हूँ लखनऊ में, जहाँ पारा 50-60 डिग्री के ऊपर जा चुका है। कभी मेरा हाथ गल जाता है तो कभी मेरा पैर। जी हाँ, वो तो शुक्र है नवरत्न ठंडे वाले पाउडर का जिसने बचा कर रखा है। खैर, आइए आपको ले चलते हैं उस घटना की तरफ जहाँ पर प्राणी ने आत्महत्या की है। आइए ले चलते हैं आपको उधर। हम आ चुके हैं उस घटना स्थल पर जहाँ पर घटना हुई है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं उस शख्सियत से जिसने पानी में डूब कर आत्महत्या कर ली। घुमाइए कैमरा, दिखाइए उधर। देखिए किस तरह से इसका पेट पानी में फूल कर एकदम पैराशूट बन गया है, और देखिए किस तरह से पानी में तैर रहा है, बिल्कुल पैराशूट की तरह, कोई गुब्बारा हो जैसे। हमारे पास मजदूर मियां की मौत का चश्मदीद गवाह है, यहाँ पर मौजूद है। आइए जाने की कोशिश करते हैं या कि उनसे क्या हाल है। जी, तो जब मल्लुक मियां डूब कर मर रहे थे तो आप उस समय उनको बचा क्यों नहीं रहे थे? सारा डूब के मरीन जी है। देखिए किस तरह से इंसानियत सब शर्मसार हो गई एक बार फिर। चलिए कोई बात नहीं, हमारे संवाददाता शहजाद झोपड़े वाले ने बताया है कि गटर में इनके दादा पिल्ले और इनकी कुटिया साथ में रहती है। आसपास पूछताछ करने पर पता चला है कि आजू बाजू के जो गटर हैं वहाँ पर इनकी दो तीन कुटियों से इनका अफेयर भी है। जी, हमारे संवाददाता शहजाद झोपड़े वाला एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी शहजाद, क्या हाल है वहाँ के? अबे झोपड़ी के लाइव है। जी हाँ, इनके गटर की हालत बहुत ही खराब है, हर हफ्ते कोहराम मचा रखा है कुकुर मुत्तों ने। इतनी बदबू है कि मैं वहाँ सांस भी नहीं ले पा रहा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं उनके पिछवाड़े में डामर लगा के पिछवाड़ा सील कर देता। मल्लुक मियां की मौत की खबर मिली सदमे में। इनकी हालत बहुत ही गंभीर है, सुबह से एक ही हड्डी देखे जा रही है, ना कुछ खा रही है ना खाने दे रही है बड़े। पूरे परिवार की फटके हाथ में आ चुकी है, पूरा परिवार तितर बितर हो चुका। आइए आपको दिखाते हैं परिवार की कुछ तस्वीरें। देखिए किस तरह से परिवार के सभी लोग अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, पूरा परिवार सदमे में है। देखे कैसे टकटकी लगाए एक ही जगह देखे जा रहे हैं। मल्लुक मियां की मौत के बाद पूरे परिवार की फट चुकी है। जी हाँ, पूरे परिवार की फट चुकी है। झोपड़ी वाला हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए धन्यवाद। सूत्रों से पता चला है कि बहुत जल्द मल्लुक मियां को दफनाया जाएगा। जी हाँ, तो हम आपको उस जगह पर भी ले चलेंगे जहाँ पर मल्लुक मियां का अंतिम संस्कार किया जाना है। माफ कीजिएगा, हम उस जगह पर आ चुके हैं, मैं आने में थोड़ी देर हो गई। यहाँ पर मल्लुक मियां को दफनाया गया है, क्या एक तरफ से मल्लुक मियां ने आत्महत्या कर ली है, वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों ने इतनी अमीरी जाहिर की है कि किसी कब्र पर इतने आलिशान इतने महंगे पत्थर लगाए गए हैं जितने अमीर या किसी नेता की कब्र पर भी नहीं होते हैं। इतना पैसा तो मायावती ने अम्बेडकर पार्क पर भी नहीं खर्च किया था जितना पैसा। देखिए कितने महंगे और आलिशान पत्थर लगे हैं यहाँ पर। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, अमेरिका से मंगाया गया इम्पोर्टेंट पत्थर है। इसकी कीमत $52,00,000 प्रति पत्थर है। और जो अगरबत्ती यहाँ पर आप देख रहे हैं अगरबत्ती है, ये दुबई से मंगाई गई स्पेशल अगरबत्ती है। इसकी कीमत है ₹5,00,000। जी हाँ, ₹5,00,000। और जिस मजदूर ने मल्लुक मियां की कब्र खोदी है उसने ₹1,00,000 की मांग की थी कब्र खोदने के लिए। वहीं परिवार वालों ने ₹1,00,000 के साथ साथ ₹51,00,000, जी हाँ ₹51,00,000 इनाम के तौर पर साथ में दिए हैं। ₹1,51,00,000 इनको दिए गए हैं मजदूर को खोदने के लिए। इतनी अमीरी, क्या सरकार मल्लुक मियां की मौत के बाद कोई एक्शन लेगी? यहाँ पर मैं बैठा हूँ एक आम के पेड़ के नीचे, क्योंकि मल्लुक मियां की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र आम के पेड़ के नीचे बनाई जाए, तो इनकी कब्र आम के पेड़ के नीचे बना दी गई है। जी हाँ, जो खबर अभी हमने आपको दिखाई है ये कोई आम खबर नहीं है, मल्लुक मियां कोई आम कुत्ता नहीं था। ऐसे ही खबरें और आगे देखने के लिए देखते रहिए द घंटा न्यूज़। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगी।